वीडियो वी विल स्टडी रिगार्डिंग द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रेसेस। टू मैट्रेसेस के प्रोडक्ट किवें करांगे? अपने कोल दो मैट्रेसेस दित्तियां ने, एक ए दित्ती है एक बी दित्ती है। ए दित्ती है 69 ते 23 ते बी दित्ती हुई है 260 एंड 798। जिहड़ियां ये मैट्रेसेस दित्तियां, पहला इन्हां दे ऑर्डर लिख लिए। ए है 2x2 मैट्रिक्स, तुहानूं देखण नूं ही लग रही होनी, ए 2x3 मैट्रिक्स है। 2x2 का मतलब की हुंदा? दो रो दो कॉलम, दो रो तीन कॉलम। ठीक है, इनू किवें मल्टीप्लाई करना? जदों तुसी फाइंड करना ए बी, जदों तुसी फाइंड करना ए बी, पहला की है बच्चे, रो नू कॉलम नाल मल्टीप्लाई करी चलो तो तुहाडे कोल एलीमेंट आई जाएंगे। पहला रो केड़ी है 69 वाली, तो फस्ट कॉलम केड़ा 27 वाला। देखो पहला एलीमेंट की बनेगा, 6x2 + 9x7। ठीक है, इस तो बाद सैकेंड एलीमेंट लिखना है। हूँ फिर 6x9 अगले 69 नाल मल्टीप्लाई करो तो की बनेगा? 6x6 + 6x9। याद रखियो पहली दे रो दूजे दे कॉलम लेने ने। ठीक है, इहदा ऑर्डर भी पहले ही लिख दिना, पहले दी रो हुंदी है दूजे दा कॉलम हुंदा। ठीक है, पहले दी रो दूजे दा कॉलम, तो ऑर्डर की आ जाएगा इहदा 2x3 बाय मतलब मल्टीप्लीकेशन। उस तो बाद बच्चे लास्ट वाला 6x0 पहली रो ते दूजे दा कॉलम, 6x0 + 8x9। ठीक है, ये तुहाडे कोल पहले एलीमेंट आ गए। हुण दूजे दी रो ते पहले दा कॉलम, दूजे दी रो पहले दा कॉलम, उस तो बाद 2x6 + 3x9 एंड लास्ट की लिखोगे 2x0 + 3x8। तो अपने को हुण जिहड़े आंसर आणगे इन्हां नूं सॉल्व करना, 12 + 63 36 + 81। इत्थे की बनेगा? 0 + 72 आ गया, 4 + 21 = 27 बन जाएगा। अगला की बनेगा लास्ट बोलो बच्चे, 24। तो हुण इन्हां नूं सॉल्व करके लिख लो। सॉल्व करके किवें लिखोगे? इत्थे की बन जाएगा तुहाडे कोल 12 + 63 की होगा तुहाडे कोल 75, 81 + 36 की होगा 117, 72, 25, 39 एंड 24। ठीक है, ये तुहाडे कोल आंसर आ जाएगा। ये तुहाडे कोल सीगी बच्चे, मैं थोड़ा जिहा कैमरे का व्यू इस तरह करदा ताकि सिंगल शॉट च तुहाडे कोल व्यू आ जाए। एग्जाम्पल नंबर 12 सीगी, पहले दी रो लैनी हुंदी है दूजे दा कॉलम। नाउ आपां अगले क्वेश्चन ते पहुँच गए हाँ। अगले क्वेश्चन दी स्टेटमेंट की है, एक वैल्यू दित्ती हुई है तुहानू ए दी, एक दित्ती हुई है बी मैट्रिक्स दी। तुसीं बी ए फाइंड करना ते ए बी, ते प्रूव करना ए बी ते बी ए दोनों इक्वल नहीं है। पहला आपां बी ए प्रूव करांगे, बी ए की हुंदा? पहला बी दी वैल्यू लिख लो, बी दी वैल्यू की है 2 3 4 5 2 1। ए दी वैल्यू की है 1 - 2 3 - 4 2 ते 5। ये तुहाडे कोल वैल्यूज़ आ गई हैं। हुण ये दोनों नूं मल्टीप्लाई करना, तो पहला तो लिख लो इहदा जिहड़े आंसर आऊगा उहदा ऑर्डर की होगा। आंसर का ऑर्डर की होगा वह लिखण लई पहला इहदा ऑर्डर पता होना चाहिए। इस च देख सकदे हो तीन रो ने ते दो कॉलम है, इस च की है दो रो ते तीन कॉलम, तो ऑर्डर की आऊगा 3x3 मतलब तीन रो ते तीन कॉलम। पहले दी रो लई दी है, दूसरे का कॉलम ऑर्डर हुंदा। ठीक है, हुण इत्थे देखो बच्चे 2x2 2 3 फस्ट रो कॉलम ना मल्टीप्लाई करन लगे आप सैकेंड मैट्रिक्स दे, तो किवें करांगे? 2x1 + 3x-4। उस तो बाद दूजा 2x2 2 3x2 करोगे। ठीक है, 2x-2 + 3x2 करोगे। ठीक है, एंड लास्ट इत्थे जिहड़ा आऊगा स्पेस घट सीगी, 2x3 + 3x5 ये थर्ड आ जाएगा। हुण दूजी रो चक्कोगे फिर उवें ही मल्टीप्लाई करना, सो ऑन, वो मैं करके दस दिना। हुण डायरेक्ट इत्थे लिखांगे 4x1 की होगा 4 ते 5x4 की होगा -20। अगला एलीमेंट 4x-2
प्लस 5 into 2 10 होंगे, 4 into 2 8 होंगे, 10 चो 8 माइनस करोगे तो कला की रह जाएगा 2 सेकेंड एलीमेंट। अगला 4 into 3 12 एंड 5 into 5 25, 25 प्लस 12 कितना हो जाएगा तुहाडे कोल, 25 प्लस 12 की हो जाएगा 37, की हो जाएगा 37। अगला मैं करके दिखा देना ताकि तुहानू कोई डाउट ना रहे, 2 into 1 प्लस 1 into -4 ये पहला एलीमेंट आ गया। हूँ 2 into -2 1 into 2 तो की आ जाएगा 2 into -2 प्लस 1 into 2 एंड लास्ट जिहड़ा इत्थे एलीमेंट बनूगा वह की बनेगा 2 into 3 प्लस 1 into 5 ठीक है। ये करोगे हूँ अगे इनू सॉल्व करके लिख लिए, इनू ये की बनेगा बच्चे इत्थे की सीगा 2 ठीक है, जो बी ए की गल कर रहे 2 ते 12 2 माइनस 12 4 प्लस 6 6 प्लस 15 इत्थे की बन गया -16 2 37 इत्थे की बनेगा 2 माइनस 4 -4 +2 6 प्लस 5 तो इनू अगे फर्दर सॉल्व कर लो, दैट इज़ -10 अगला एलीमेंट की बनूगा +2 21 प्लस ना लिखो कन्फ्यूजन रह जूगी, -16 बनूगा इत्थे की बनेगा 2 37 इत्थे पहला ही है, इत्थे -2 11 ये तुहाडे कोल आंसर आ जाएगा। अगेन एक कैमरे का व्यू दे दें जिस पूरा क्वेश्चन आ जाए तुहाडे कोल, कोई भी डाउट होगा तो तुसी पूछ सकते हो। इनू कहने मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। हुण बी ए करांगे, बी ए थोड़ा जिहा ध्यान नाल देख, बी ए हो गया, ए बी फाइंड करांगे। ए बी फाइंड करन लई की करना पैना, पहला लिखोगे ए दी वैल्यू, ए दी वैल्यू क्वेश्चन च देखो की है 1 -2 3 -4 2 ते 5 बी किवें करांगे 2 4 2 3 5 1 ठीक है, सॉरी ए बी फाइंड करना ना, तो ए दी वैल्यू पा ली तो बी दी वैल्यू पा ली। हुण पहले दी रो लोगे, दूजे का कॉलम लेना, फिर ए इसी रो नू दूसरे कॉलम नाल मल्टीप्लाई करांगे। पहला ऑर्डर लिख लिए, इहदा ऑर्डर की है, इहदा 2 into 3 इहदा ऑर्डर की है 3 into 2 तो ऑर्डर जिहड़ा ए बी दा आऊगा वह की आऊगा, इत्थे मैं खुला खुला करके दिखा दिना ताकि तुहानू समझ आ जाए। 2 into 2 ऑर्डर आएगा, मतलब 2 by 2 मैट्रिक्स आएगी। हुण देखो 1 into की करोगे 1 into 2 प्लस -2 into 4 प्लस 3 into 2 ये पहला एलीमेंट आ गया। दूजा 1 into 3 प्लस -2 into 5 प्लस 3 into 1 अगला। हुण इस रो नू ए कॉलम ना मल्टीप्लाई करोगे तो की आ जाएगा, देखो ध्यान ना, -4 into 2 प्लस 2 into 4 प्लस 5 into 2 अगला इत्थे की आऊगा -4 into 3 प्लस 2 into 5 प्लस 5 into 1 हुण वैल्यूस लिख लो तो आंसर कढ़ लो। मल्टीप्लीकेशन भी बहुत ईजी लगेगी, 2 -8 प्लस 6 -8 प्लस 8 प्लस 10 3 -10 प्लस 3 -12 प्लस 10 प्लस 5 2 into 2 मैट्रिक्स है, तो ए बी की वैल्यू की आ जाएगी 0 -6 10 ते 3 2 into 2 मैट्रिक्स। हुण जे दोनों पार्ट्स की गल की जाए, जिहड़ा बी ए सीगा, बी ए मेरी लैफ्ट साइड शीट ते है जिन्हों मैं टिक ला रहा, तो जिहड़ा ए बी टिक ला रहा, तो तुसीं दोनों देख सकते हो। पहली गल तो दोनों मैट्रिक्स ही बराबर नहीं, जिहड़ा बी ए है बी ए कितना होना चाहिए, बी ए कि फॉर्म च है अपने कोल 3 into 3 मैट्रिक्स है, तो ए बी कि 2 into पहला तो ऑर्डर ही नहीं सेम, उस तो बाद एलीमेंट भी कोई सेम नहीं, मतलब ये दोनों मैट्रिसेस आपस इक्वल नहीं है, तो दैट मीनस ये आंसर की आ जाएगा, शो करना सी ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, हैंस प्रूव्ड।